दोस्तों, बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और आज हमारे जो भी एनालिसिस हमने किया था, कल के एनालिसिस में हमने आपको बोला था कि इस ये वाले कैंडल को अगर ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बाइंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फिर यहाँ से सेलिंग दिया, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ से सेलिंग दिया, फिर यहाँ पे बायर है, क्योंकि इस जो हमारा छोटा सा कैंडल बना था उसके हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है, बाद में नीचे आने की कोशिश करता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाते और काफ़ी तेज़ यहाँ पे सेलिंग की रैली होती है। और फिर यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसके नीचे यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट पूरे दिन तक कंसोलिडेशन कर रहा था। दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ इसी लेवल पे हमारे रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होकर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता और यहाँ से ऊपर चला जाता तो आपको कंटिन्यूसली बैंक की रैली देखने को मिल सकती थी। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ हमें सेलिंग दिया है। अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है ये भी देखेंगे, निफ्टी में क्या हो सकता है ये भी देखेंगे, और क्रूड ऑयल में भी हमने एक पोजीशन बना के रखी है, उसमें क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। दोस्तों, मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इतनी बड़ी जो सेलिंग की कैंडल बनी है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की कैंडल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेलर यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर बायर नहीं आ रहे और यहाँ पर आने के बाद सेलर यहाँ पर आने के बाद सेल कर रहे हैं। मतलब सेलर के लिए ये पॉइंट सेलेबल है, मतलब ये प्राइस सेलर के लिए ठीक ठाक है, तो यहाँ से सेलिंग कर दी और बायर नहीं आ रहे तो नीचे के साइड पे सेलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो लो बनाया है ना, इस लो पर मार्केट कम्प्लीटली कई देर तक बना रहा है, ठीक है, और इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल के नीचे सेल करने के लिए लोग तैयार नहीं है। सेलर करे कि हम इस लेवल के नीचे जाके सेल नहीं करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद अगर सेल करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सेलर वेट कर रहे हैं कि और बायर आए और यहाँ से ऊपर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बायर आए तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मतलब और ज़्यादा बायर आता है, समझो यहाँ तक भी आता है, तो यहाँ पे जो भी सेलर फिर एक बार यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और शायद ऐसा हो सकता है कि ये लेवल हमारे लिए एक सेलिंग का लेवल बन सकता है। मतलब जो भी कॉल राइटर्स है वो इस लेवल को अपने लेवल बना सकते हैं और उसके बाद से मार्केट नीचे आ सकता है। शायद कल यही हो सकता है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से बाइंग देकर फिर नीचे आ सकता है और फिर इसी तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर अगर इस लेवल पे ओपन होता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर नीचे आता है लेकिन नीचे नहीं आ रहा और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड पे ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर इस लेवल तक भी नहीं जा रहा है, मतलब सेलिंग का जो ये लेवल है, इस लेवल तक भी नहीं जा रहा है, यहीं पे ओपन होकर यहीं से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, तो आप इस लेवल पे पुट साइड पे भी जा सकते हो, ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर। तो बैंक निफ्टी में पुट और कॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके कल हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 200 मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों साथ आ रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा सका और इन दोनों को ब्रेक करके फिर ऊपर आने की कोशिश की और नहीं आ सका तो यहाँ से सेलिंग देगा, अदरवाइज इस लेवल पे आया और यहीं से ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आ रहा और यहीं से ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉल साइड पे भी ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्रूड ऑयल में देखेंगे कि हमने जो पोजीशन बनाया था ओवरऑल उस पोजीशन के खिलाफ ही मार्केट है अभी भी, लॉस की साइड पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन अगर आप देख सकते हैं, देखो इस लेवल पे हमने एंट्री की हुई है, 6133 पे हमारी एंट्री हुई है और हमारे लेवल के पास से ही रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। लेकिन ओवरऑल अगर आपको यहाँ पे साइकोलॉजी बताएं तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन निकाल के बता रहा हूँ, तो ये जो लो है, ये लो कम्प्लीटली मार्केट ने अभी भी ब्रेक नहीं किया है। ध्यान से देखना आप कि यहाँ पर ये लो है, फिर एक बार इसी लो को टच किया है और अभी यहाँ इस लो के पास यहाँ तक सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ तक आया है और शायद यहाँ से ऊपर भी चला जा सकता है मार्केट, अदरवाइज इस लो को ब्रेक करेगा तो बहुत नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। हमारा अभी तक स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है,
हमारा टारगेट भी काफ़ी लंबा है। और दूसरी चीज़ ये है कि 200 मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट दोनों के नीचे मार्केट है, फिर भी हमने इसमें ट्रेड लिया है। हमने इसमें ट्रेड इसलिए लिया है दोस्तों, उसका लॉजिक भी मैंने अभी वीडियो एक रिकॉर्ड किया है, एक क्लिप रिकॉर्ड किया है, उसमें भी बताया और यहाँ पर भी बताऊँगा। सेलर यहाँ पे आए, यहाँ पे पंप एंड डंप सिचुएशन बनी, लेकिन इसके नीचे सेलर नहीं आ रहे थे, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे सेलर नहीं आ रहे थे, जो हमने ट्रेंड लाइन निकाला है। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे बेचना सेलर के लिए फायदेमंद नहीं है, तो सेलर इसके बीच में नहीं आएंगे, इसके नीचे नहीं आएंगे, ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। तो 200 मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट भी अगर हमारे अपोजिट है तो फिर भी ट्रेड किस तरीके से लेना चाहिए ये यहाँ पर हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे, अब देखेंगे क्या होता है। अगर यहाँ से मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ से कैंडल्स इस हाई के ऊपर चली जाती है, तो हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, और इस दूसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हमारे लिए तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये जो पिवट पॉइंट है कल का, और इसको ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो देखेंगे, पहले तो कम से कम हमारा पहला तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे, और जैसे टारगेट अचीव होता है वैसे उस पर एक अच्छा खासा वीडियो बनाकर भी मैं आपको पोस्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम बहुत ही आम वॉल्यूम है, ना ही बहुत बड़ा है, आज के दिन ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो वेट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है। और अब चलते हैं निफ्टी में, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे। निफ्टी में देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से निफ्टी में रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ, ठीक है, जो हमने जो कैंडल बोला था सेम बैंक निफ्टी की तरह ही हुआ है यहाँ पे। इस कैंडल के ऊपर गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, और इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी में प्राइस एक्शन देखने को मिला है, लेकिन सेलर हावी रहे हैं, बायर्स वीक रहे हैं इसमें कम्प्लीटली, लेकिन निफ्टी में कंपेयर टू बैंक निफ्टी बायर्स ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर ट्राई किया है, और यहाँ से बाइंग ही ज़्यादा हुई है सेलिंग होने के बाद भी। तो यहाँ पे निफ्टी में ओवरऑल पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, और पिवट पॉइंट के ऊपर है हम लोग निफ्टी में, और 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो मैक्सिमम चांसेस निफ्टी में मुझे ऐसे लग रहा है कि कल के दिन के लिए कि निफ्टी अगर समझो इस लेवल को ब्रेक कर दे, हमारे इस हाई को, और यहाँ से नीचे आकर ऊपर जा रहा है, तो हमें कॉल साइड पे ट्रेड मिल सकता है। और अगर समझो ऐसा नहीं होता है, इसी लेवल पे ओपन होता है, पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक होना चाहिए, देखो 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा तो भी ऊपर जा सकता है, ऐसे अगर ऊपर आता है तो तुरंत बाय मत करना, फिर नीचे आने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा कर आप बाय करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुका है निफ्टी में भी पहले एक दो दिनों से, तो यहाँ पे अगर समझो बाइंग के साइड पे रैली देना था तो उसके लिए कंसोलिडेशन की ज़रूरत हो सकती है, और वो कंसोलिडेशन शायद आज हो चुका है, कल भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे जो बन चुका है देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक हाई बनाया है, फिर यहाँ पे उसका हायर लो बनाया है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो उसने लो बनाया था एक लो, फिर यहाँ पे भी वो हायर लो बनाएगा, और अगर इसके ऊपर चला जाता है और हायर लो बना देता है तो मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट अगर इसके नीचे ही लो बना देता है, फिर एक बार नीचे आकर ये लोअर लो बना देता है और ऊपर नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमें पुट साइड पे ट्रेड मिल सकता है प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा। तो दोस्तों ये लॉजिक है, अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।